हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव श्रीवास्तव माय डिजिटल गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर चैटबॉट चैट जीपीटी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी के थ्रू कैसे अपनी अर्निंग कर सकते हैं, कैसे आप कंटेंट राइट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सर्च करना है, कुछ आप आइटम सर्च कर रहे हैं उसके फीचर्स को लेके, उसके प्राइस को लेके आप कंफ्यूज हैं, तो आप यहां पे इजीली वो कंपैरिजन कर सकते हैं। और साथ में मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक स्पिरिचुअल चैटबॉट ऐप के बारे में बताऊंगा, जिसके थ्रू आप भगवत गीता के श्लोक्स में जो ज्ञान मिला है, जो इंफॉर्मेशन है, या भगवत गीता के थ्रू आप अपनी लाइफ को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे इस चैट जीपीटी को हम लोग यूज करते हैं। जो यूजर्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में आपको हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन पे अपने सुझाव परामर्श जरूर दें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि चैट जीपीटी को हम कैसे यूज करते हैं। चैट जीपीटी ओपन करने के लिए हम लोग सबसे पहले chat.openai.com पे जाते हैं। अगर आप न्यू यूजर्स हैं तो आपको यहाँ पे एक सिंपल लॉगिन करना होगा अपनी ईमेल आईडी डाल के, तो ये आपका चैट जीपीटी का इंटरफेस ओपन हो जाता है। सबसे अच्छी बात है कि चैट जीपीटी आपको आप ही के लैंग्वेज में रिप्लाई दे सकता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे जानना है कि चैट जीपीटी पे कब तक का डेटा अवेलेबल है, तो ये आपको एक सिंगल क्लिक में रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा। ये देखिए, इसने बिल्कुल जिस लैंग्वेज में मैंने इससे क्वेश्चन किया उसी लैंग्वेज में इसने रिप्लाई किया कि मैं चैट जीपीटी ओपन एआई के जीपीटी 3.5 आर्किटेक्चर पे आधारित एक बड़ा भाषा मॉडल हूँ, मेरे पास की जानकारी 2021 तक की है। तो यहाँ आप किसी भी लैंग्वेज में, मतलब अगर मैं कहूँ इसको कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव इन हिंदी, तो ये आपको हिंदी में एप्लीकेशन दे सकता है। मतलब कि हम अगर इसको समझें तो जो कंटेंट राइटिंग का काम है बहुत इजी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात कि ये आपको आप ही की लैंग्वेज में समझा रहा है, मतलब इनपुट के लिए आपको भटकना नहीं पड़ रहा। मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चन को सिंपल गूगल पे डालूं तो आप देखेंगे कि ये मुझे अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अलग अलग साइटों पिक की, जहाँ पे आपको हर साइट पे जाना होगा और फिर समझना होगा कि हाँ यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। अब आप इस आर्टिकल को रीड करेंगे तब जाके कहीं वो कंक्लूजन निकल पाएगा जो रिजल्ट इसने आपको एक सिंगल क्लिक में दे दिया। मतलब आप ये एक डेटा कलेक्शन है जहाँ आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन इससे ले सकते हैं और ये मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहाँ जो कंटेंट राइटर है हमारे, जो तीन तीन दिन, चार चार दिन, एक एक हफ्ते तक सोचते रहते थे कि कंटेंट क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो वो कंटेंट भी ये प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि राइट एन आर्टिकल ऑन डिजिटल मार्केटिंग, तो ये देखिए इसने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल लिख दिया यहाँ स्टॉप जनरेटिंग, क्योंकि हमने प्रीवियस जो रिजल्ट लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है, तो क्योंकि हमने जो पिछला पहला सर्च किया था वो हिंदी में था, सेकंड में हमने इससे हिंदी में ही रिजल्ट मांगा, तो इसने जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो भी हिंदी में दिया। आप यहाँ स्टॉप जनरेट कर सकते हैं और ये मैंने इसको कर दिया इन इंग्लिश। तो अभी आप देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर इसने एक अच्छा खासा आर्टिकल
मुझे लिख के दे दिया, मतलब कि अब आप अगर नए यूट्यूबर हैं या आप यहाँ चैट जीपीटी के थ्रू अर्न करना चाहते हैं तो आप इजीली कंटेंट राइटिंग या अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से ब्लॉग कंटेंट खुद से बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये जो डेटा है ये इसने कहीं भी गूगल से या किसी और वेबसाइट से नहीं लिया है, ये डेटा बिल्कुल यूनिक है जो कि आपके लिए इसने ये जनरेट किया है, आपके सर्च के अकॉर्डिंग इसने जनरेट किया है। तो ये हर तरह के रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करा सकता है। मींस अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे ब्लॉग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूबर हैं और आपको अपनी यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट नहीं मिल रही तो आप चैट जीपीटी की मदद से उस स्क्रिप्ट को भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ राइट राइट अ स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब ऑन, चलिए चैट जीपीटी में ही हम लोग स्क्रिप्ट ले लेते हैं। अब आप देखिए इसने एक एक ऑप्शंस दिखाए हैं कि आपको कैसे करना है, किस तरह आपको इंट्रो वीडियो स्टार्ट करना है, कैसे आपको इसके बारे में बताना है। ये हर वो डिटेलिंग आपको पूरी स्क्रिप्ट बना के दे रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ एआई टूल्स हैं जो कि आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं स्पीच में, उसके बाद कुछ टूल्स हैं जहाँ पे वीडियो एडिटिंग होती है। तो आप मिक्स करके और एक बहुत अच्छा वीडियो कंटेंट आप यहाँ पे बना सकते हैं एआई चैट जीपीटी यूज करते हुए। तो ये आपको हर वे में, मतलब अगर हम अर्निंग की बात करें तो आप यहां से भी एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, करा सकते हैं अपने लिए और इजीली किसी चीज को सर्च कर सकते हैं। कुछ और हम लोग, अब ये तो थी इंग्लिश और हिंदी की बात, अगर मैं कहूं कि हाँ मुझे एक आर्टिकल चाहिए जो मराठी में या तमिल में, अब मैं इसको इन तमिल कर देता हूं, तो आप देखिए कि यहाँ पे अब मुझे तमिल तो नहीं आती बट जिनको आती होगी वो इसको देख के समझ पाएंगे कि इसने तमिल लैंग्वेज में भी उस स्क्रिप्ट को राइट कर दिया है। तो मतलब यहाँ आप इजीली कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ आसानी से ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि बेस्ट बजट फोन अंडर 15,000 इन इंडिया, तो अब देखिए ये इसने पहले रिजल्ट के अकॉर्डिंग मुझे तमिल में ही रिजल्ट दिया है क्योंकि मैंने मेरी एक्टिविटी तमिल की थी। अब मैं इसको कर देता हूँ इन इंग्लिश, तो ये देखिए ये आपको ना जो इंडियन मार्केट के अंदर 15,000 के अंदर बेस्ट फोन है उनके फीचर्स के साथ, मतलब जिस चीज को आप सर्च करने के लिए अपने घंटों निकाल देते थे कि हाँ आपको कौन सा फोन आपके 15,000 के बजट में आएगा, उस इंफॉर्मेशन को इसने बड़े अच्छे से पॉइंट वाइज यहाँ दिखा दिया है। तो इस तरह हम लोग चैट जीपीटी की मदद से किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से ले सकते हैं, आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी की मदद से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं, प्रोडक्ट कंपैरिजन करते हैं और कुछ भी किसी भी लैंग्वेज में। मतलब इसके लिए ये बाउंडेशन भी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत अच्छी बहुत अच्छा ग्रामर होना चाहिए। आप यहाँ अपने भी लैंग्वेज में और किसी भी, सबसे अच्छी बात कि आप इसमें सपोज अगर मैं हिंदी में कुछ टाइप कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट मुझे इंग्लिश में चाहिए तो मुझे ईजिली यहाँ मिल पाता है। तो ये थी हमारी चैट जीपीटी की बात। अब हम लोग बात करते हैं उस अगले टूल की, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में कि आज हम लोग एक स्पिरिचुअल टूल्स की बात करेंगे जो कि है इसी से मिलता जुलता एक गीता जीपीटी। अब ये गीता जीपीटी क्या है, तो जैसा कि भगवद गीता आप सबों ने नाम तो सुना ही होगा, आप में बहुत लोगों ने भगवद गीता पढ़ा भी होगा। तो जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था श्लोक के माध्यम से,
जहां उन्होंने लाइफ को डिफाइन किया है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो जो भी आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं गीता से कनेक्टेड होती है। तो जो वो ज्ञान है, जो वो इंफॉर्मेशन है भगवत गीता के अंदर, उसको रिलेट करते हुए आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि हाउ टू मेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ, तो अब भगवत गीता के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था और उसको किस तरह से हमें करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भगवत गीता के माध्यम से दी जाती है। तो ये है हमारा गीता जीपीटी। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी है तो अपने सुझाव कमेंट्स जरूर दें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।